आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, किसी को दिल में रखती हैं और किसी पे मरती हैं। सो दोस्तों, आजकल की लड़कियां तो कमाल ही कर रही हैं, क्योंकि हर एक काम में लड़कों से आगे निकलती जा रही हैं या फिर कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो दोस्तों, स्पेशली गर्ल्स के लिए तीन ऐसी वैकेंसी लेकर आ गया हूं जिसमें उन्हें ना तो रनिंग करनी, ना हाई जंप करनी, ना लॉन्ग जंप करने की जरूरत है, ना हाइट मांगी गई है। इसमें प्राइवेट जॉब नहीं बताने वाला, गवर्नमेंट जॉब बताऊंगा। तीनों की तीनों इजी सिलेक्शन है, इसमें फास्ट प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, कब एंड होंगे, कौन सी वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो गर्ल्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान टेक्स्टर। टॉप थ्री ऐसी वैकेंसी लेकर आ गया हूं जो इज्जत शौहरत सब आपको दिलवाएगी। अगर एक भी वैकेंसी इसमें लग जाती है, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और शौहरत तो आपको मिले के ही रहेगी दोस्तों। तो नंबर वन पर जो वैकेंसी आती है उसकी मैं बात कर रहा हूं, SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की दोस्तों, CGL की ग्रुप बी और सी की पोस्ट होती है। इसमें वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होती है, जो इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है 17,727। तो गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट जॉब SSC CGL है दोस्तों, UPSC के बाद, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, किसी भी परसेंटेज के साथ आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। 18 से 25 साल पोस्ट वाइज, वैसे पोस्ट वाइज इसमें एज लिमिट है दोस्तों, 18 से 27 भी है, 18 से 25 भी है, 18 से 33 साल भी है। तो मिनिमम एज मैं मान लेता हूं कम से कम 18 साल होने चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब इसमें सैलरी भी दोस्तों पोस्ट वाइज है, हर एक पोस्ट के लिए, चाहे छोटी से छोटी भी पोस्ट है उसमें भी 30,000 से ऊपर ही सैलरी आपको इसमें मिलती है। तो ऑन एन एवरेज 55,000 पर मंथ सैलरी इसमें बन जाती है, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो। एप्लीकेशन फीस, अप्लाई का लिंक ऑलरेडी शुरू हो चुका है दोस्तों, और लास्ट डेट जो है वो 24 जुलाई है इसमें अप्लाई करने की। शून्य फीस है रिजर्व कैटेगरी के लिए, ₹1 भी पे नहीं करना आपको, और ₹100 अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, ठीक है भाई। मेल और फीमेल सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ssc.nic.in पर इसका ऑफिशियल लिंक भी आपको मिल जाएगा। आगे बात करता हूं नेक्स्ट जो नंबर टू की वैकेंसी है दोस्तों, जो गर्ल्स के लिए बेस्ट है वो है RRB NTPC, जो आने ही वाली है दोस्तों। पहले वीक में जुलाई में इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, लिख के दे रहा हूं। 9,000 से ज्यादा वैकेंसी मानी जा रही है आएंगी, लेकिन अनुमानित 12,000 से ज्यादा वैकेंसी इसमें निकलने के चांसेस हैं पूरे के पूरे। 12th पास वालों के लिए भी इसमें पोस्ट है, ग्रेजुएट्स के लिए भी इसमें पोस्ट है दोस्तों, वेरियस क्लेरिकल डिपार्टमेंट्स में भी है, स्टेशन मास्टर भी हो गया, अच्छी अच्छी पोस्ट इसमें है। बहुत CGL के बाद जो अच्छी पोस्ट जिसमें मिलती है वो RRB NTPC है दोस्तों, ठीक है। सो बच्चे इसका बहुत इंतजार करते हैं। 18 से 30 साल पोस्ट वाइज इसमें भी आपसे क्वालिफिकेशन और एज मांगी गई है, 18 से 30 साल भी है, 18 से 27, 18 से 32, 33। तो ₹250 इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, जिसमें कैशबैक हो जाएंगे आपके ₹500 जो है, जिसकी फीस है अनरिजर्व्ड वालों के लिए, इसलिए 80% कैशबैक हो जाता है, ठीक है। बाकी के लिए एप्लीकेशन डेट्स जुलाई, जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से निकल जाएंगे। मेल और फीमेल सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in है, ठीक है, यहां पर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आएगा और अप्लाई का लिंक भी। आगे बात करता हूं नंबर थ्री जो कि लास्ट है हमारी, वो है ग्रामीण बैंक, जिसे हम IBPS RRB भी बोलते हैं, IBPS RRB, रीजनल रूरल बैंक में इसमें भर्तियां होती हैं। 175 रिजर्व कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस है और अनरिजर्व के लिए ₹850। एप्लीकेशन की लास्ट डेट बहुत नजदीक आ चुकी है, 27 जून है, तो फटाफट से अप्लाई कर देना। दोनों के लिए है, मेल और फीमेल, ssc.nic.in इसके ऑफिशियल इसकी जो IBPS.in पर आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। 9,995 नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों, ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है, एज 18 से 28 साल, लगभग 55,000 के लगभग इसमें सैलरी बन जाती है, डिपेंड ऑन पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट होती है, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और मल्टीपर्पज के लिए इसमें भर्तियां होती हैं। डिपेंड ऑन पोस्ट सैलरीज आपकी होती हैं, मिनिमम सैलरी इसकी जो मल्टीपर्पज के लिए है वो 35,000 के लगभग होती है, और ऑफिसर स्केल 1 जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर्स, उसकी सैलरी लगभग 55,000-56,000 होती है पर मंथ, शुरुआती होती है, बढ़ते बढ़ते तो ये लाखों में चली जाएगी जैसे कि आप टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे इसमें जॉब में। सो ये थी हमारी टॉप 3 ऐसी वैकेंसी जो गर्ल्स को जरूर अप्लाई करनी चाहिए, बेस्ट है उनके लिए। जितने भी आपके सर्कल में गर्ल फ्रेंड्स हैं सभी को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा टॉप 3 वैकेंसीज जो बेस्ट होती हैं गर्ल्स के लिए वो ये वाली हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।